हाय बहनों, वेलकम टू माय ब्यूटी चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अफगानी इंडो मेकअप लुक, एंड ये है पार्टी लुक। माय गॉड, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, वाओ, माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, तो आज का ये जो मेकअप लुक है, ये अगर आप अफगानी हैं तो यस, आप ये लुक अचीव कर सकते हैं। एंड अगर आप नहीं भी हैं, इफ़ यू आर गोइंग किसी पार्टी में, तब आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो आप ब्राइडल को इस तरह का लुक दे सकते हैं। क्विकली लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। और यहाँ पे मैंने लेंस लगाए, इसलिए मेरी आंखों से पानी आ गया है। आई एम नॉट क्राइंग, ओके। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्टो कैलोमाइन का ये लाइट मॉइस्चराइजिंग जेल है, जो कि है विद नायासिनमाइड, विटामिन ई, विटामिन B5 एंड हाइलुरोनिक एसिड। आपको पता है कि जिस प्रोडक्ट में सैलिसिलिक एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, वही प्रोडक्ट में ज़्यादातर यूज करती हूँ अपने फेस पे। एंड इट वर्क्स बेस्ट फॉर ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, एंड ऑल्सो फॉर ड्राई स्किन पे भी वर्क करेगा, कॉम्बिनेशन स्किन पे भी, नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन पे भी। माई गॉड, देर आर सो मैनी स्किन टाइप्स, मतलब ऑल स्किन टाइप्स पे सूट करते हैं ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये बहुत ही नॉन स्टिकी फॉर्मूला के साथ है। तो इसको अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एम्ब्रॉलिस का मॉइस्चराइजर। This is a holy grail product for सारी मुआज के लिए, क्योंकि मैंने बहुत से मुआज को देखा है ये product use करते हुए on the client, and yes, it works best, especially glowing बनाने के लिए skin को, और जो dry skin होती है उन पर best work करता है। तो आज यहाँ पर मैं तीन foundation use कर रही हूँ, जो कि है बहुत ही affordable Olivia brand का। ये है instant waterproof makeup stick। तो यहाँ पर तीनों foundations के मैं थोड़ा थोड़ा सा quantity लूँगी। तीनों अलग अलग shades हैं, ठीक है। 05 touch and glow shade है एक, and एक है 03 natural, and the last one is 007 पर्ल वाइट। तीनों को मिक्स करके यहाँ पे मैंने इतना मज़ेदार का शेड बनाया है ना, तीनों को मिक्स करने के बाद जो कवरेज आया ना, इट्स अल्टीमेट, आई लव्ड इट। मुझे ओलिविया मेकअप स्टिक बहुत अच्छा लगता है, बट येस, ये डेली यूज़ के लिए नहीं होता है ये फाउंडेशन। दिस इज़ जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजन, लाइक बहुत ही हैवी फंक्शन में आप जा रहे हैं, तब आप इस मेकअप स्टिक को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी थिक फाउंडेशन है ये, इसको लगाने के बाद जो मुझे खुशी यहाँ पे मिल रही है ना, मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। मुझे इस तरह का कवरेज ना बहुत अच्छा लगता है अपने फेस पे अप्लाई करना, बट यस, मैं डेली वेयर के लिए यूज़ नहीं करती हूँ ये। सो यस, इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, एंड आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देना है इसको। आपको अपनी पूरी स्किन पे इस फाउंडेशन को अब्सॉर्ब करवाना है, एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कीजिए इफ़ यू आर अ बिगिनर। अभी अभी आपने शुरू किया है मेकअप करना, मेकअप सीखना, मेकअप देखना, तो डैम मतलब कि ब्यूटी ब्लेंडर को आप पानी में अच्छे से भिगो के निचोड़ के, एंड देन यूज़ इट ऑन योर फेस टू ब्लेंड योर फाउंडेशन, ठीक है। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का है, वेयर इज इट, यस, मामा अर्थ का है ये ग्लो हाइड्रेटिंग कंसीलर इन द शेड O1 आइवरी ग्लो। ये बहुत ही लाइट वेट कंसीलर है, ऑल्सो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है ये स्किन में, एंड आपके ये डार्क सर्कल्स को जो होते हैं ना अंडरनीथ आइज, उसको कवर करेगा अच्छे से, एंड ऑल्सो फाइन लाइन्स को कवर करेगा। एंड जी हाँ, ये हाईलाइट इफेक्ट भी देता है बहुत अच्छा, बट इसका जो कवरेज है दैट इज़ लाइक मीडियम टू स्लाइटली मीडियम कवरेज, लाइट टू स्लाइटली मीडियम कवरेज, कुछ ही बोल देती हूँ मैं। अच्छा, फिर इसको मैं यहाँ पे कंसीलर को सेट करने के लिए लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि है मेकअप रेवोल्यूशन का वाइट बेकिंग पाउडर। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे रिमिल मैच परफेक्शन लूज पाउडर के साथ। करेंटली जो मेरे फेवरेट हैं, दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड एयरस्पन, मेरा फेवरेट है, ठीक है। और ये मेकअप रेवोल्यूशन के भी, रिमिल के भी, डॉटर अर्थ का भी बेस्ट है, एंड ऑल्सो के ब्यूटी का भी।
अच्छा, आज का जो आई मेकअप है बहुत ही टेम्पटिंग आई मेकअप है, ठीक है। सो मेकअप रेवोल्यूशन का सोफेक्स रेवोल्यूशन एक्स्ट्रा स्पाइस पैलेट में यूज़ कर रही हूँ, एंड इसमें से सबसे पहले मैंने शेड लिया है कुकी डो। ये न्यूड ब्राउन शेड है, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे ट्रांजिशन पे, एंड अच्छे से यहाँ पे विंडशील्ड मोशन में मैं ब्लेंड करूँगी इस शेड को। बहनों ये जो पैलेट है ना, अमेजिंग पैलेट है, ग्रैब इट अगर आपके पास नहीं है। इसमें आपको वार्म टोन, इसमें लाइक ऑलमोस्ट वार्म टोन शेड्स आपको मिलेंगे, एंड यस जो पीची टोन्स हो गए रेड में हैं, स्मोकी लुक इफ़ यू वांट टू क्रिएट यू कैन क्रिएट फ्रॉम दिस पैलेट। सेकंड शेड मैंने लिया था चॉकलेट ऑरेंज, और इसको भी मैंने ट्रांजिशन पे अप्लाई किया है, एंड देन यहाँ पे थर्ड शेड मैंने लिया है दैट इज़ दी ब्राउनी, जो कि बहुत ही डीप ब्राउन शेड है। इसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ यू के शेप में, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं एक फेक क्रीज लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एंड देन इसको यहाँ पे मैं अच्छे से स्मज करूँगी और टेपर्ड ब्रश की हेल्प से मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ बाकी ट्रांजिशन शेड के साथ। नाउ यहाँ पे मैं ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज़ इन द शेड 13 गार्नेट ब्राउन। बहुत ही ब्यूटिफुल ब्राउन शेड है बहनों ये, तो इसको यहाँ पे मैंने लिड भी अप्लाई कर दिया है, और अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करने के बाद फिंगर से मैं टैप टैप कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक मैंने ब्लैक शेड लिया है, बहुत ही लाइट हैंड यूज़ करते हुए सॉफ्टली मैं अपने क्रीज को डिफाइन करूँगी, अंडरलाइन कर रही हूँ, उसको हाईलाइट कर रही हूँ यू के शेप में। यू नो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जब ये लिपस्टिक अप्लाई किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बाकी शेड्स छुप गए, तो इससे मैंने उस शेड को भी अप्लाई कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, एक हाईलाइट इफेक्ट है। ओके, सो फॉर द ग्लिटर यहाँ पे मैं दो दो ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे फेवरेट ब्रांड से हैं। एक है आई एम आइकॉनिक का शेड, जो कि है ये बैड बी में, और मैंने एक यूज़ किया है ये किंगडम ऑफ लैशेस का, विच इज़ ब्राउन डाउन। ठीक है, सबसे पहले पी ए सी का प्राइमर ग्लू यूज़ किया है, एंड देन मैंने ये ग्लिटर को दोनों को मिक्स करके अप्लाई कर दिया, ठीक है। देन फॉर दी मस्कारा मेबलिन स्काई हाई यूज़ कर रही हूँ मैं अपर लैशेस पे, लोअर लैशेस पे। बहनों इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग स्मोकी ब्राउन ब्लैक सॉर्ट ऑफ आई मेकअप, देन और अगर आपको ग्लिटर चाहिए तो ट्राई दीज टू कॉम्बिनेशन, यू लव इट, सच बता रही हूँ आपको। अभी यहाँ पे कैमरा में भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना वैसे, वाओ बहुत सुंदर लग रहा था। ओके, सो फॉर द आईब्रोज यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही लिया है मैंने, उसकी ही हेल्प से यहाँ पे मैं अच्छे से अंडरलाइन एंड फिल कर दूंगी। पाउडर वाला लिया है मैंने, एंड ये वाला बहुत सटल है। अब आईब्रोज की अगर मैं बात करूँ कि विच प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर यू नो फिलिंग द ब्राउज, देन आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल बोले तो लाइक वैसे पेंसिल नहीं, अभी जो स्पूली टाइप के आ गए हैं ना, स्पूली के साथ जो आते हैं, लाइक शुगर का हो गया, नायका के हैं, ऑल्सो आपको इसमें रिमिल लंडन में भी मिल जाएगा, एन वाई एक्स का मिल जाएगा, तो यू गाइज कैन ट्राई दोज आईब्रो फिलर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आईब्रो फिल करने के बाद लैशेस अप्लाई कर रही हूँ, जो कि हैं ये लैशेबल के, एंड लैशेस के लिए भी मैं कलाइलस का आपको सजेस्ट करूँगी। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम में DM में कि मैं कौन से लैशेस यूज़ करती हूँ फॉर माय इंस्टाग्राम वीडियोस, तो कलाइलस के होते हैं मोस्टली, एंड यस लैशेबल के होते हैं। कुछ ऐसे लैशेस हैं जो कि मेरे पास बहुत पहले शीन जब था यहाँ पे, तो शीन से मंगाए हुए थे मेरे पास लैशेस, तो मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, एंड अमेज़ोन में आपको वेराइटीज़ मिल जाएंगे लैशेस के। ओके, सो देखो लैशेस अप्लाई करने के बाद द आईज़ आर लुकिंग स्टनिंग। अच्छा, यहाँ पे फॉर द कॉन्टोरिंग
ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं, जो कि है इनसाइट ब्रांड का। ये डुओ 2-in-1 स्टिक है, हाइलाइटर है इसमें और कंसील कॉन्टोर है। कॉन्टोर शेड इसका चॉकलेटी डीप ब्राउन शेड है, इट्स वे टू गुड। और यहाँ पे अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया है, 3 के शेप में अप्लाई किया है मैंने। अगर आपको दिक्कत होती है, आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से आप कॉन्टोरिंग अप्लाई करें, तो आप ऐसे 3 बना सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फोरहेड एंड देन नीचे चीक बोन पे लेकर आके देन आप नीचे जॉ लाइन तक लेके जाइए। इट्स एज सिंपल एज यू नो आई कैन एक्सप्लेन। अच्छा, अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद अगर आपको कहीं भी हार्श लाइंस नज़र आती हैं, आपको लगता है कि प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो यू कैन यूज़ बेकिंग पाउडर टू सेट योर कॉन्टोर। क्योंकि ये क्रीम कॉन्टोर है, ऑब्वियसली आपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है अपने फेस पे, है ना, तो आप उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब आप उसको हटाओगे तो नहीं, या ऐसे हाथ से तो रब नहीं करोगे, तो यस आपको बेक करना पड़ेगा, उसके ऊपर सेट कर देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा, थोड़ा स्मूथ इफेक्ट देगा, ठीक है। फिर ये मैंने PAC का यूज़ किया है, जो कि है स्पॉटलाइट ब्रॉन्जर सेंटर स्टेज। ये बहुत ही लाइट ब्रॉन्जर है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे अपने नाक के लिए यूज़ कर रही हूँ। नाक के जो साइड में जो ब्रिजेस हैं, जो बोन है, वहाँ पे मैं 2 लाइंस बनाती हूँ, नीचे कनेक्ट करती हूँ, जो मेरी बिल्कुल नाक की टिप है वहाँ पे कनेक्ट करती हूँ। टिप को भी फुली कवर करूँगी, मेरे नॉस्ट्रल को भी फुली कवर करूँगी, क्योंकि मेरे जो नॉस्ट्रल्स हैं काफ़ी बड़े हैं, तो अगर आपका भी काफ़ी फैला हुआ नॉस्ट्रल है तो उसको भी कवर कर लीजिए। अच्छे से ब्लेंड कीजिए ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, एंड देन उसको भी आप सेट कर दीजिए बेकिंग पाउडर की हेल्प से, तो ये स्मूथ आउट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी कितना क्लीनली स्मूथ आउट हो गया, ठीक है। ओके, आई लव दिस ब्लश, इसलिए मैं उसको ले लूँ। एंड इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड शुगर पॉप अल्ट्रा HD ब्लश O2 Sienna। ये ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इट्स अ कोरल शेड, और लाइक नियॉन कोरल होता है ना, उस तरह का शेड है, बट इट्स रियली ब्यूटिफुल। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं अपने चीक्स पे, चीक बोन पे अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इस पर भी मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी मेरे शॉर्ट्स में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, यू शुड नो हाउ टू अप्लाई। और डिफरेंट डिफरेंट फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से यू नो ब्लश अप्लाई किया जाता है, और मेरा यहाँ पे चबी है इसलिए आई ऑल्सो कवर माई चीक्स एंड चीक बोन्स, मतलब मुझे दोनों में ही अप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ चीक बोन पर ही फोकस करूँगी एंड चीक्स पर अप्लाई नहीं करूँगी तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है, मैं दोनों ही कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पर अब फॉर माई लोअर लैशेज मैंने लिया है एक बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज टोन ब्राउन शेड, उसको अप्लाई कर दिया। एंड देन यहाँ पे मैं ये कैलाइलस का ग्लू अप्लाई कर रही हूँ, और वहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये ग्लिटर फ्लेक्स, जो कि 3D ग्लिटर है, या आई एम आइकॉनिक के, जो मैंने अपने आईलेट पे यूज़ किया है, ये बैड बी शेड में है, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर दी हाईलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये कीरो का है प्रिज्म परफेक्ट हाईलाइटर, इसमें रोज हिप ऑयल है एंड कैलेंडुला ऑयल है, और ये शेड यूज़ कर रही हूँ मैं सैंडी रोज प्लस पर्ली ब्रॉन्ज O1 में। बहुत ही सटल गोल्डन ब्रॉन्जर है ये, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल शाइन दे रहा है यहाँ पे। वन स्वाइप एप्लीकेशन एंड इट विल गिव यू दैट सटल गोल्डन ब्रॉन्ज शाइन ऑन योर चीक बोन्स। नोज पे भी अप्लाई किया है मैंने, यहाँ पे चिन पे भी कर रही हूँ, एंड थोड़ा सा मैं फोरहेड पे भी करूँगी, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ये गोल्डन ब्रॉन्ज शेड है, तो इसलिए मैं फोरहेड पे तो वैसे आपको कहूँगी कि स्किप इट, क्योंकि फोरहेड के लिए यू कैन यूज़ ओनली शैम्पेन एंड जो बहुत ही पीची टोन रोज गोल्ड टोन शेड होता है ना, उस तरह का आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इस तरह के ब्रॉन्जर्स जो हो गए, ब्रॉन्जर कह रही हूँ, ब्रॉन्ज एंड गोल्डन वाले शेड मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी इफ़ यू आर फेयर स्किन टोन। इफ़ यू आर डस्की देन यू कैन अप्लाई इट, ठीक है। अब फॉर द लिप्स मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, और मैंने इनसाइड के कॉन्टोर से ही यहाँ पे अंडरलाइन किया है मेरे लिप्स को, विच इज़ अ ब्राउन शेड, डीप ब्राउन। सो यस, आई डोंट हैव अ आई क्या कहते हैं लिप लाइनर, और मैं लिप लाइनर्स मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लिप लाइन नहीं करती हूँ, कभी कभार यस अगर थोड़ा सा मूड में आ गई तो मैं कर देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ सेम ब्लू हेवन की, हाइपर स्टे वेटलेस लिक्विड मैट लिपस्टिक है ये, एंड ये शेड है 13 गार्नेट ब्राउन, जो मैंने लिड में यूज़ किया है वही शेड अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे।
या हेयर इज़ द फाइनल लुक। कैसा लगा बहनों आपको आज का ये अफगानी प्लस इंडो पार्टी मेकअप लुक? आई होप आपको ये लुक पसंद आया हो। पसंद आया है तो इस वीडियो को हाँ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बहनों, आई लव यू सो मच।